जब भी कोई शरीर में एक्सटर्नल चीज़ इम्प्लांट होती है, बॉडी उसको रिजिस्ट करती है, उसको वहाँ पर सेटल्ड होने नहीं देती है। अगर मैं इम्प्लांटेशन की बात करूँ तो जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है, जो एम्ब्रॉय के रूप में आपकी यूट्रस की दीवार पर चिपक रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम उसको रिजिस्ट करती है, उसको वहाँ पर सेटल्ड होने नहीं देती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सस्टेन करना चाहती हैं तो कुछ ऐसे इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से कई बार आपके मिसकैरेज के कारण बन सके। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनके काफ़ी अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ आते हैं, जिनको मेरे डाइट से या फिर जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेट एक दो चीज़ एक दो केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पर एक मैसेज में मुझे पता चला था कि 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद उनकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो गई। यानी कि कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि जाने अनजाने आप कहीं ना कहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन आपका फेल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन के दौरान आपको कुछ गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो कि आप जनरली आपको लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, लेकिन ये लाइफस्टाइल का जो पार्ट है जो कि आपको अंदरूनी तौर पे आपके गर्भ को रुकने नहीं दे रही है, वो सबको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की जरूरत है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ एक्सटर्नल अगर इम्प्लांट हो रही है, आपकी खुद की इम्यून सिस्टम उसको रेजिस्ट करने नहीं देती है, वो चाहती है कि इसको जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। तो जब ये प्रेगनेंसी एक बिल्कुल नई चीज़ होती है, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं वो जब एंटर करते हैं या फिर वो फर्टिलाइज करते हैं आपके एग को, तो ये सारे जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो उस टाइम पे इसलिए लोअर डाउन हो जाता है ताकि इस सिचुएशन को, ये जो नई चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में इम्प्लांट हो रही है, उसको इम्प्लांटेशन उसका सक्सेसफुल हो जाए। पहली गलती जो बहुत सारी महिलाएँ करती हैं वो होती है हेयर वॉश का कर लेना। अब हेयर वॉश ट्रिक के ऊपर मैंने सेपरेट एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जो कि आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है, कि हेयर वॉश ट्रिक कई बार आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी ज़रूरी होता है। जनरल केसेस में 20वें दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है। सबकी साइकिल अलग अलग होती है, आपको पता है कि किसी को जल्दी पीरियड आते हैं, किसी को लेट से पीरियड आते हैं, किसी के नॉर्मल पीरियड आते हैं। लेकिन नट सेल में आप मान करके चलिए कि 20वें दिन के बाद से आपका कभी भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है, यानी 21वें दिन, 22वें दिन, 25वें दिन, 26वें दिन कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो उन ड्यूरेशन में आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना चाहिए। हेयर वॉश के ऊपर सेपरेट वीडियो हो, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको दूसरा मेरा वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसकी लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उन ड्यूरेशन में आपको रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए। अब रिलेशन प्लान करना आपकी नॉर्मल रूटीन में शामिल हो सकता है, लेकिन कई बार जो मेल के सेल्स होते हैं उनके अंदर जो तत्व पाया जाता है, अगर मैं उनके जो लिक्विड पार्ट की बात करूँ तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो हार्मोन होता है वो आपकी गर्भ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। जब भी अगर आप फुलफिलमेंट में होती हैं, आपके ऑर्गेजम के टाइम पे आपको प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन भी रिलीज होता है और उस टाइम पे आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से आपका जो रुका हुआ भी गर्भ होता है उसके गिरने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि उन दिनों में रिलेशन भी प्लान ना करें। तीसरी चीज़ जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, कई बार हम प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने जाने की, कहीं एक सिचुएशन देख लेते हैं कि चलो बेबी आने के पहले हम थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार आपका जो सडन जर्क होता है आपकी बॉडी में, जो आपको ट्रैवलिंग के दौरान होता है, आपकी बॉडी में लगातार हार्मोन के बदलाव होते हैं जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। क्योंकि सडन कहीं पर भी आप जाना, सडन कहीं पर भी इतनी ज़्यादा थकावट, या आपके हार्मोन में सडन अगर गिरावट होती है, उतार चढ़ाव होती है बहुत ज़्यादा, अगर आपको माहौल का ट्रांजिशन मिलता है, इन्वायरमेंट तुरंत चेंज हो जाता है, पानी चेंज हो जाता है, तो कई बार महिलाएं इसको भी रेजिस्ट नहीं कर पाती, आपकी बॉडी उस हिसाब से अनुकूलित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। चौथी चीज़ क्या होती है कि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, सबको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, सबको बहुत ज़्यादा काम का लोड होता है, वर्क का काफ़ी ज़्यादा लोड महिलाएं भी लेके चलती हैं, पुरुष भी लेके चलते हैं, और उन सब के तालमेल बिठाने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि प्रॉपर नींद हमें नहीं प्राप्त होती है। मतलब अगर हम नींद के बारे में सोचें तो महिलाएं काफ़ी अच्छी नींद या जो क्वालिटी स्लीप होती है उसके बारे में ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिस तरह से आपकी बहुत ही अस्त व्यस्त जो लाइफ होती है, जितना जल्दी जल्दी कामों के बारे में सोचना, बस आपको बस होड़ लगी हुई होती है, उसमें आपका शरीर इतना अंदर से एग्जॉस्टेड होता है तो जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए वो रेडी नहीं हो पाता है। तो अपने आप को रिलैक्स करिए,
जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेगा आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही आराम से रुक जाएगी। पांचवी चीज़ जो होती है, हमारे लाइफ स्टाइल तो आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है, उसमें हम भूल जाते हैं कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं। डाइट में कई बार हम जंक फूड को भी इंक्लूड करते हैं जिसमें हाई सोडियम का कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे शुगरी फूड होते हैं जिसको हम बस खा लेते हैं बस हमारा पेट भर जाए और ये काम होना चाहिए, लेकिन बेसिकली शुगर और बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। आपकी बॉडी इम्प्लांटेशन को उस टाइम पे अडेप्ट नहीं कर पाती है, अनुकूलित नहीं कर पाती है, तो इन सारे फूड आइटम या जंक फूड जो होते हैं, पैकेज्ड वाले जो फूड आइटम होते हैं, उनको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की आवश्यकता है। छठी गलती क्या होती है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में आपको रात में जगना भी होता है, कई बार आपकी जो स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। जब अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे, रात रात में जगेंगे, सुबह देर से जगेंगे, तो ऐसे केस में जब आप अपनी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं तो हार्मोन काफ़ी जल्दी बिगड़ते हैं, हार्मोन बिगड़ेंगे। और कई बार रात में जगने की वजह से ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का भी इंटेक करते हैं, रात में हमें जगना होता है, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है आप तो आप कॉफ़ी का सेवन करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कैफीन की जो मात्रा होती है आपकी बॉडी के अंदर जो जाती है वो भी आपके गर्भ के लिए अच्छी नहीं होती है। और सिर्फ ये चाय कॉफ़ी की बात यहाँ तक नहीं रुकती है, सातवीं बहुत बड़ी गलती ये भी होती है कि महिलाएं और पुरुष एक ऐसा ग्रुप बना के चलते हैं या फिर उनकी जो एक लाइफ स्टाइल होती है उसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना एक आम बहुत बिल्कुल आम चीज़ हो जाती हैं। तो जब आम चीज़ें आपके साथ ही बिल्कुल नॉर्मल है, आपको लगता है कि स्मोकिंग कर लिया या थोड़ी सी ड्रिंकिंग कर ली तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बेसिकली हेल्दी नहीं होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से भी आपको दूर रहना चाहिए। और रही इंपॉर्टेंट बात की आठवीं इंपॉर्टेंट गलती कि आप अपने शरीर को इतना ज़्यादा थका देती हैं, इतना ज़्यादा वर्क का लोड आपको रहता है, आप किस तरह से आप अपनी बॉडी को आप इतना ज़्यादा वर्क में इंडल्ज करती हैं जिसकी वजह से भी बॉडी कई बार रेजिस्ट नहीं कर पाती है। और कई बार बहुत सारी महिलाओं को अपनी बॉडी को फिगर को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करती हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ कुछ चीज़ें करती रहती हैं, तो होता क्या है कि इसके वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जब आप एक्सरसाइजेस करती हैं बॉडी एग्जॉस्ट होती है, वो भी इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारी बातें अगर आपके साथ जाने अनजाने हो रही हैं, और मैं उन भी महिलाओं को इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, ऊपर कपड़े लेके आने हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा चलना उतरना चढ़ना, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना, उसकी वजह से भी कई बार आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं जाती है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रेगनेंसी रुक रही है या उसको आप उतना मौका दीजिए, उसको आप इतना अडेप्ट करिए ताकि वो पूरे 9 महीने के लिए सस्टेन हो सके। अब होता क्या है कि बहुत सारी महिलाओं को ऐसे न्यूज़ मैंने सुने हैं जिनको काले काले से बड़े बड़े से क्लॉट्स आए हैं, थके आए हैं, तो वो पूरी तरह से उनका मिसकैरेज है, मिस्ड एबॉर्शन है। तो ऐसी कोई भी गलती आपको स्टार्टिंग में और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए सस्टेन नहीं कर पाए, उसको रिजिस्ट ना कर पाए। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा वक्त दीजिए और वो समझने की कोशिश करिए कि आपकी बॉडी किस तरह से प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करेगी। तो हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, अच्छी तरह से भोजन करिए, टाइमली आपको भोजन करना है, टाइमली स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करना है ताकि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को थोड़ा सा रिजिस्ट कर पाए। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।